ग्रोसरी शॉपिंग मेरी वीकली बेसिस पे होती है। ये देखिए मैंने ये शॉपिंग करा है, थोड़े टमाटर, लेमन्स, कैबेज और तो चावल, ब्रेड्स लेना था बच्चों के, केलॉग्स ख़त्म हो गए थे वो लेना था, बस ग्रीन टी और दही ले लिया है बस। अब ग्रीन टी बनाना था तो उसे फाड़ लिया था, निकाल लिया था उसमें से एक पैकेट। ये देखिए मैंने जाने से पहले सब क्लीन करके गई थी। अब बस बेटे साहब आ गए थे घर आकर, वो तो अपना वर्क कर रहे थे, लिखना कम बिखेरना ज़्यादा रहता। उसके बाद बिटिया रानी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अंदर बैठकर। अब देखिए चले किचन की तरफ आ जाते हैं, बस बनाना तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बस बघारा खाना बना लिया था, थोड़ा अंडे का खागीना बना लिए थे बस। नेक्स्ट डे बच्चों का भी लंच नहीं था, हस्बैंड का भी लंच नहीं था, बस इसीलिए रात का ही डिनर रेडी कर लिए थे हम। बस फिर से बन रहा है हमारे पास बघारा खाना, पुलाव जिसे कहते हैं। मैंने 2 ऑनियन बिग साइज़ की ऑनियन कट कर लिया था, थोड़ा बघारे खाने के लिए डाल लिया था, फिर थोड़ा खागीना के लिए डाली। खागीने में है ना ज़्यादा ऑनियन ज़्यादा लगती है, इसमें ऑनियन ज़्यादा डालने से अच्छा टेस्ट आता है। मैं अंडे का खागीना भी 2-3 तरह से बनाती हूँ और कुकर में भी बनाती हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करते जाऊँगी। मैं देखिए ये तो बघारा खाना जो पुलाव है इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी, इसीलिए इसका कुछ बोल नहीं रही हूँ, बस कुक हो रहा है। अब देखिए अंडे के खागीने की तरफ आ जाते हैं। मैंने प्याज डाल लिया था उसमें, उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था, उसके बाद हाफ़ टोमेटो, बिग वाला टोमेटो जो था वो हाफ ऐड कर लिया था उसमें, फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर नमक, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब ये जो है स्पैचुला जो सिलिकॉन का होता है, इससे तो हमारे टोमेटोस अच्छे से मैश नहीं हो रहे थे, फिर मैंने वुडन स्टिक ही लिया था। बस ये तो है ना ये फैशन के लिए दिखने के लिए ही सही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये अपने जो पुराने वाले जो है ना ये ही बेस्ट रहते हैं अपने। फिर जैसा ही मेरे टोमेटोस गल गए, सॉफ्ट हो गए थे पूरे, उसके बाद मैंने इसमें 4 eggs डाल लिए थे। eggs है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, आपको कितना egg पसंद है, या आपको फिर ये एग ज़्यादा एग खाना पसंद है या इसमें, या नहीं तो ये ऑनियन टोमेटोज का जो मसाला होता है वो खाना पसंद है तो वो डाल लें आप। बस लास्ट में मैंने कोथमीर कट करके डाल लिया था, हरा धनिया जिसे कहते हैं, बस उसके बाद बस अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस क्विक एंड सिंपल रेसिपी है ये, इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस आप ट्राई करें फ्रेंड्स, ये जल ब्रेकफास्ट में खाने वाली रेसिपी है असल तो ये, बस हमने डिनर में भी बना लिया खा लिया, बस इसे ढाप कर छोड़ दें, बीच बीच में चेक करते रहें, दिन 10 मिनट्स में बन के रेडी हो जाएगी ये अंडे का खागीना। चलिए आप ट्राई करें, अब दीजिए हमें इजाज़त, आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।